जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हम कितनी हैरानी से सोचते हैं कि यार इसकी कितनी अच्छी जिंदगी होगी, कितने मजे से रहता होगा ये। अगर इसको कहीं पर जाना होता होगा तो अपनी पर्सनल कार से कहीं पर भी चला जाता होगा। लेकिन दोस्त, उस वक्त आपको उसकी सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे उस इंसान की कितनी मेहनत छिपी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। क्योंकि सफलता चीज ही ऐसी होती है जो हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है, और फिर हर इंसान भी यही चाहता है कि वो भी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बने, वो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करे जो वो हासिल करना चाहता है। लेकिन जब वाकई में इस सफलता को हासिल करने के लिए मेहनत करने की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग इसके आगे हार मान जाते हैं, क्योंकि ये सफलता किसी के हाथ इतनी आसानी से नहीं आती है, यह इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर जिद आ जाए किसी भी चीज को पाने की, तो वो इंसान उस चीज को पाकर ही दम लेता है। ठीक इसी तरह जिंदगी में सफल भी वही इंसान हो पाता है जो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कामयाब होकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े मैं कर जाऊंगा। और जब उस इंसान की लाइफ में सच में दर्द भरी सिचुएशन आती है तो वो हर दर्द को खुशी खुशी सह जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जीतने की जिद है। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो इसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। इस सफल होने की राह में आप बार बार फेल होंगे, लेकिन तब भी आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी मुश्किलों को मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि गिरता वही है जो चलता है, लेकिन जिसने कभी चलने की कोशिश ही नहीं की तो वो क्या नीचे गिरेगा। इसलिए अगर जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा टूट जाओ तो समझ लेना समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। समय ये देखना चाहता है कि क्या वाकई आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो या नहीं। अगर आप दिल से सफल होना चाहते होगे तो यकीनन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर इन सब प्रॉब्लम्स के बीच बहाने बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिंदगी में कामयाबी बोलने से नहीं बल्कि कुछ करने से हासिल होती है। इसके लिए जिंदगी में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, वक्त का पाबंद बनना पड़ता है। अगर कोई काम करना है तो आज और अभी करना है, उसे कल पर नहीं टालना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आप रोज कल के इंतजार में रहते हो, लेकिन वो कल खुद कल के इंतजार में है। एक बहुत ही विद्वान कवि महान कबीरदास जी ने भी कहा कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे वो कब। चाहे कुछ भी हो जाए अपने काम को कल पर कभी मत टालना, क्योंकि यह एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपकी सफलता आपसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन अगर आपको जितना ज्यादा लगाव अपने काम से हुआ तो आपकी सफलता भी उतनी तेजी से आपके पास आएगी, क्योंकि ग्रेट सक्सेस हमेशा ग्रेट एफर्ट मांगती है। आप जितना ज्यादा एफर्ट अपने काम में लगाओगे आपको उसका रिजल्ट भी उतना ही ज्यादा दिखेगा। इसलिए आपके अंदर ये चीज होनी ही चाहिए कि जब ये मुश्किलें मुझे गिराएंगी तब तब मैं इन मुश्किलों को हराऊंगा और गिरकर फिर से उठूंगा, लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा और जीतने के लिए हर दर्द सहूंगा। इस वीडियो की अंतिम लाइन में सिर्फ यही कहूंगा कि आप लाइफ में सफल होने के कितने भी शॉर्टकट तरीके आजमा लो, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता की सिर्फ एक ही चाबी होती है और वो है मेहनत। क्योंकि अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है तो आप किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर लोगे, लेकिन अगर मेहनत करने का जुनून नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए केवल मेहनत करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।